श्री नारायण दास गुप्ता जी को बुलाने के पहले मैं सूचना देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को कि राज्यसभा के जो रूल्स और प्रोसीजर है उसके तहत आपको बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कम से कम आपको नाम भेजना है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आगे से कृपया ध्यान रखें, बिल्कुल बहस शुरू हो जाए तब नाम ना दें प्लीज़। नहीं, इनके बाद उनको जस्ट ठीक प्लीज़। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषा को जाति के साथ नहीं बांधना चाहिए। हिंदी, संस्कृत या जो भी हिंदुस्तान की भाषाएं सबकी हैं, उसी तरह उर्दू भी सिर्फ मुसलमान नाम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वो हम सब के लिए है। मेरा ये सबमिशन है। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं इस बिल के समर्थन में अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूँ और माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर रहे हैं। ये संस्कृत भाषा अगर देखा जाए तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सबसे पावरफुल भाषा है, ये सब भाषाओं में सबसे पावरफुल भाषा है। हम जब कंपेयर करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज भारत की, कि अगर हम महाभारत काल में जाएँ, रामायण काल में जाएँ, तो हमारे अस्त्र शस्त्र जो थे उनको एक्टिव करने के लिए संस्कृत के मंत्रों के द्वारा ही उनको ऊर्जा पैदा करते थे। तो ये सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। आज भी हिंदुस्तान में कितने अनुष्ठान होते हैं, कितने ही हवन होते हैं, कितने और होते हैं, किसी भी भाषा का, हिंदुस्तान के चाहे वो तेलुगु भाषा हो, कन्नड़ भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, सबको अल्टीमेटली संस्कृत के ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता है और उसी से ही देवताओं का आह्वान करते हैं अपने रिचुअल्स में। तो इस भाषा का अलग महत्व है। जैसे हमारा सनातन धर्म है, ये सनातन भाषा है। तो मैं तो मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की चीज़ है सर, ये खाली यूनिवर्सिटी बन के ना रह जाए। ये इस तरह के आंकड़े आते हैं कि यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज रह जाती हैं, प्रोफेसर नहीं मिलते, शिक्षक नहीं मिलते, विद्यार्थी नहीं मिलते, उस और भी हमें पूरे ध्यान सभी इसका यूनिवर्सिटी बनाने का लाभ होगा। अगर उसमें का हम नहीं आ पीछे रह गए तो ये फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी पीछे रह जाएंगे। तो इस मैं यही अपने आदरणीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जाएं कि ज़्यादा ज़्यादा ट्रेनिंग मिले शिक्षकों को। अभी तो एक पर्टिकुलर जाति के लिए जनरल देखा जाता है कि संस्कृत को अडॉप्ट करते हैं। हमारे आज भी सदन में कुछ सदस्यों ने संस्कृत में बोला, मैं समझता हूँ कि वो भी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन ये सभी जातियों में जाना चाहिए। और बिल में भी प्रावधान किया गया है इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन इसको घर घर तक पहुंचाने की बात है। और ये भारत की सबसे सनातन भाषा में फिर ये शब्द कहूँगा और इन शब्दों के साथ आपको बधाई देता हूँ और इसका अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी।